लगभग 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब हमारे पृथ्वी का कोई भी चांद नहीं था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया। इसके बाद लाखों करोड़ों टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। कुछ टुकड़े अंतरिक्ष में चले गए और कुछ बड़े टुकड़े पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके चारों ओर घूमने लगे। घूमते घूमते वह एक जगह एकत्रित हुए और हमारे चांद का निर्माण हुआ। वह चांद जो हमारी धरती का इकलौता उपग्रह है और यह हमारी धरती से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन इस चांद के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फैक्ट नंबर 1, हम में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि हमारा चांद गोलाकार है, लेकिन आपको बता दूं हमारा चांद गोलाकार नहीं बल्कि इसका शेप अंडाकार है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमारा चांद का निर्माण हुआ तब इसका आकार गोल था, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारा चांद का आकार अंडाकार हो गया है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं अभी तक हमारे चांद पर 12 इंसान ने कदम रखे हैं, जिसमें से प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग 1969 में और आखिरी व्यक्ति यूजीन स्टेन जो 1972 में चांद पर गए थे। इसके बाद 27 साल से कोई भी व्यक्ति चांद पर नहीं गया है। फैक्ट नंबर 3, हमारे चांद का एवरेज डायमीटर 3475 किलोमीटर है। इसके आधार पर मून हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जुपिटर का है जो कि गाइमेड है। फैक्ट नंबर 4, जब हम पृथ्वी से सूरज और चांद को देखते हैं तो हमें यह सेम साइज का दिखाई देता है, लेकिन रियलिटी में चांद से हमारा सूरज करोड़ों गुना बड़ा है। आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, इसके आधार पे आप समझ पाएंगे। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा चांद है। मींस आप समझ सकते हैं कि हमारा सूर्य कितना ज्यादा बड़ा है। फैक्ट नंबर 5, चांदनी रात में मून जितना ज्यादा प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है हमारे पृथ्वी की ओर, अगर हम उस मून के एक मून की जगह 3,00,000 मून को रख दें तो हमारा पृथ्वी दिन को 12 बजे जितना लाइट मिलता है उतना ही लाइट रात को हमें मिलेगा 3,00,000 मून से, है ना, गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं मून हमसे हर साल 1.5 इंच हमसे दूर जा रहा है। जब हमारे चांद का निर्माण हुआ था तब ये हमारे पृथ्वी से महज 22,000 किलोमीटर दूर था, बट अब ये हमसे 384,400 किलोमीटर दूर जा चुका है और 600 मिलियन ईयर बाद हमारा चांद हमसे इतना दूर चला जाएगा कि हम पृथ्वी से चांद को केवल सितारे की तरह ही देख पाएंगे। फैक्ट नंबर 7, आपने कई बार बीच किनारे गए होंगे और इवनिंग में इस बीच का मजा लिए होंगे, तब आपने एक बात नोटिस किया होगा, तब बीच का लहर बहुत ही शांत रहता है जो बहुत ही सुहाना दिखाई देता है। लेकिन अगर इसी बीच पे आप रात 9 बजे से 10 बजे के बीच जाएं तो आप देखेंगे इस बीच में काफी हाई टाइड रहती है, मींस बहुत ही ऊंचे ऊंचे लहरें उठते हैं। इसका कारण होता है ज्वार भाटा, इसका कारण होता है चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स। चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, लेकिन चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है कि पृथ्वी का कोई ठोस चीज अपनी ओर खींच सके, लेकिन वह कुछ हद तक पानी में हलचल करने में कामयाब रहता है, जिसके कारण समुद्र किनारा रात को बहुत ही हाई टाइड हो जाता है और बहुत ही ऊंचे ऊंचे लहरें उठती हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं मून का रात में टेम्परेचर -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और दिन का टेम्परेचर जब सनलाइट के सरफेस पे पड़ती है तो इसका टेम्परेचर +127 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। आप समझ सकते होंगे 100 डिग्री में तब पानी उबलने लगता है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं पृथ्वी का 29 दिन स्केल टू मून का एक दिन होता है। फैक्ट नंबर 10, आपने पृथ्वी का आकाश देखे होंगे जो कि ब्लू स्काई दिखता है, लेकिन अगर आप चांद पे चले जाएं तो चांद का स्काई ब्लू नहीं बल्कि ब्लैक है। ऐसा इसलिए होता है कि मून का अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण वहां का आकाश का कलर ब्लैक है, एकदम ब्लैक। फैक्ट नंबर 11, हम मून का केवल 60% हिस्सा को ही देख सकते हैं, लेकिन 1959 में सर्वप्रथम रशिया का एक एयरक्राफ्ट लूना 3 ने इस 40% हिस्सा का फोटो लिया, जिससे दुनिया के सामने इस 40% हिस्सा को देख पाई जो कि इस तरह का दिखता है।
फैक्ट नंबर 12। आपको मून में इतने सारे दाग धब्बे दिखते होंगे, क्या आपने सोचा है कि ये दाग धब्बे आखिर आए कहां से? लगभग 3.8 अरब साल पहले बहुत सारे एस्ट्रॉइड चांद से टकराए थे, जिससे पूरे चांद में बहुत सारे गड्ढे हो गए। क्या आप जानते हैं चांद का सबसे बड़ा गड्ढा, जिसका एचकिन नाम है, इसका चौड़ाई 2000 किलोमीटर है, मींस मुंबई से कलकत्ता। समझ सकते हैं इतना बड़ा गड्ढा है ना, गजब का फैक्ट। मून में कोई भी एटमॉस्फेयर ना होने के कारण इसमें आए दिन कई उल्कापिंड गिरती रहती है। फैक्ट नंबर 13। हमारे पृथ्वी की ग्रेविटी से मून का ग्रेविटी 1/6 है, मींस अगर आपका वेट पृथ्वी पर 60 केजी है तो मून में आपका वेट ओनली 10 केजी हो जाएगा। फैक्ट नंबर 14। क्या आप जानते हैं अपोलो स्पेस शटल को उस टाइम मून लैंडिंग में जो कंप्यूटर नियंत्रित किया जा रहा था, उससे दुगना स्ट्रॉन्ग और एडवांस आपका स्मार्टफोन है जो अभी आपके हाथ में है ना, गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 15। जैसा कि आप जानते हैं हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे हमारे पृथ्वी के मौसम में बदलाव होते रहता है, मींस कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है यह पृथ्वी आखिर 23.5 डिग्री क्यों झुकी है? यह झुकाव भी चांद के ग्रेविटी फोर्स के कारण ही है, जिससे हमारा पृथ्वी एकदम स्थिर रहता है और हमारे पृथ्वी संतुलन बनाए रखता है। अगर ये चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हमारा पृथ्वी कभी 23 डिग्री में तो कभी 85 डिग्री में चल जाएगा, जैसे कि अन्य ग्रह का होता है, जैसे शनि ग्रह, जो कभी बहुत ज्यादा झुक जाती है। अगर चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो यह पृथ्वी हमारे 23.5 डिग्री में स्थिर नहीं रहती और इसका झुकाव हमेशा चेंज होते रहता, जिससे पृथ्वी पर कई जगह 6 महीने तक बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती तो कई जगह 6 महीने तक बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती, जिससे इंसान का रहना यहाँ बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। धरती के लिए चांद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं इसी तरह का वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पहले ये वीडियो पहुंचे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।